जितने भी लोग वहां से हिंदुस्तान वापस आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, भारत सरकार की ओर से भी कोशिशें यही की जा रही हैं कि फौरन उनकी वतन वापसी पूरी तरह से सुरक्षित करवाई जाए। जैकलिन सोलोमन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जैकलिन, आपसे मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगी, आप वहां पर कब से हैं, क्या महसूस कर रही हैं, क्या आप भी हिंदुस्तान वापस लौटना चाहती हैं? कुछ लोगों से संपर्क हुआ है भारतीय दूतावास से, किस तरह की जानकारी देंगे अभी के हालात को लेकर भी? Shalom from Israel to everyone. मैं यहाँ से 26 साल से हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर रहती हूँ। माहौल तो बहुत बहुत ही डरावना है, साइरेंस होते हैं तीन तीन चार बार। मैं जहाँ पर रहती हूँ फैमिली के साथ, वहाँ 40 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, और यहाँ तक तो उनके मिसाइल्स पहुंचते ही हैं। तो जब भी मिसाइल्स का होता है, हम अपने घर में जो शेल्टर रूम्स है वहां पर हम दौड़ के चले जाते हैं। वहां पर सब पानी, एक्स्ट्रा बैटरीज एंड रेडियो ट्रांजिस्टर, उसका सबका हम लोग ने तैयारी करके रखा है। सो जस्ट इन केस भी हमें बहुत ज्यादा टाइम अगर उधर रहना पड़े तो हम लोग रह सकते हैं। फिलहाल तो हम हिंदुस्तान नहीं आना चाहते। हम वैसे इन सब के बावजूद विश्वास है कि इसराइल हमारा ख्याल रखेगा और हम यहीं पर रह रहे हैं। आपने बताया बीते 26 सालों से आप इसराइल में ही हैं, कभी भी क्या इस तरह के हालात वहां पर पैदा हुए? क्योंकि माना जा रहा है कि कई सालों के बाद इस तरह का हमला, और इसमें एक बहुत बड़ा फेल्योर भी है जिस तरह से जो खुफिया एजेंसियां इसराइल की हैं उनके सेना की ओर से भी आज तमाम तरह के वक्तव्य सामने आए हैं, कभी भी ऐसा लगा क्या? वैसे तो मैंने बहुत से ऑपरेशन देखे हैं यहाँ पर 26 साल में, लेकिन इस तरह से जो जो भी कुछ हुआ है वो ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, ना ही सिर्फ सालों से, अब कभी भी नहीं हुआ है। सिंस 1948 जहां जब से इसराइल इंडिपेंडेंट हुआ है, इस तरह का हमला इसराइल पर कभी नहीं हुआ है। ये बहुत ही दर्दनाक और भयानक हुई है हमारे साथ। क्या आप लोगों को भी लगता है कि हमास के लोग चूंकि इसराइल के भीतर दाखिल हो गए थे और कुछ लोगों को हाल ही में अब नौकरियां भी दी गई थी जो फिलिस्तीनी लोग थे, कहा जा रहा है कि उनमें हमास के कुछ लोग शामिल हो गए, इसराइल में आ गए और उसके बाद यहां से लगातार खुफिया जानकारी दी जाती रही हमास को और फिर इतना बड़ा हमला किया गया, क्या आप लोगों को भी लगता है कि ऐसी बड़ी चूक हुई? क्योंकि 26 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है, आप इसराइल को जितने अच्छे से जानती होंगी उतने ही वहां के युवा भी जो वहां के नागरिक हैं वो इस बात को समझते होंगे। और एक बार मैं सच्ची में कहना चाहूंगी, मैं मन से सोचती हूँ कि मुझे इसराइल पे पूरा 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 भरोसा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अंदर अंदर से हुआ है। हो सकता है कि हमास के लोग यहाँ पर आए हो, ये जानकारी मिले हो, वापस गई हो, समवेयर समहाउ हमारा इंटेलिजेंस जरूर फेल हुआ है। कहाँ पर ये अब हम सोच भी नहीं रहे हैं और हमें जानना भी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए अब देश की सुरक्षा है। हम पहले देखेंगे हम कैसे सुरक्षित रहे और बाद में हम अपने पॉलिटिशियंस और इंटेलिजेंस के पास जाएंगे युद्ध के बाद में और उसके बाद। आज हम सब लोग एक साथ आके दुश्मन का सामना करेंगे। यही चीजें इसराइल के लोगों को या इसराइल में जो लोग लंबे वक्त से रह रहे हैं उन्हें बहुत अलग और अलहदा बनाती हैं। जैसा कि आप एक भारतीय नागरिक जैकलिन को सुन रहे हैं, उनका यह कहना है कि हम वहीं रहेंगे क्योंकि इसराइल पर उनको पूरा भरोसा है। संजय कुलकर्णी जी, सीधे आपके पास आते हुए, एक तरफ भरोसा है